welcome to the first session of today. Back to the basics, first principles for democratic accountability in the age of digitalized governance. लोकतांत्रिक जवाब देने के हम क्या सिद्धांत चाहते हैं उसके ऊपर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ लोगों का पैनल भी है और डिस्कशंस भी हैं. समय 11:15 बजे तक मुझे बताया गया है कि हमें रैप करने की कोशिश करनी है. तो जो स्पीकर्स हैं वो 10 से 12 मिनट तक अगर अपने आप को अपनी बात रखें और प्रत्येक डिस्कसेंट के लिए अबाउट 5 मिनट्स इज व्हाट वी आर होपिंग. कल बहुत चर्चा हुई, मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी. आज सुबह से भी एक अच्छी चर्चा चल रही है पर मुद्दा यही है कि डिजिटलाइज हो रही है चीजें. जो डेटा था जो अभी तक सरकारी फाइलों में कागजों पे लिखा जा रहा था वो अब एक सच्चाई है, एक रियलिटी है कि वो अब एक डिजिटल फॉर्म में सब जगह पे मूव हो रही है उसको कन्वर्ट करने की. उसके हमारे लिए क्या रेमिफिकेशंस हैं उसके ऊपर भी चर्चा कल बहुत हद तक हुई कि क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, क्या क्या रेमिफिकेशंस हो रहे हैं वो भी हमने सुना कल. तो आज हम क्या सिद्धांत चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, लीगली हम क्या चाहते हैं कि किस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, उसके क्या सिद्धांत हमें लगता है होने चाहिए वो हम अगर आज कलेक्टिवली उसके ऊपर कुछ सोच भी रखें तो आफ्टर द स्पीकर्स एंड द डिस्कशंस वी ओपन द डिस्कशन फॉर एवरीबॉडी ऑन द इन द रूम. बहुत मोटे रूप में आज भी अगर हम देखें तो आंकड़े बताते हैं कि केवल 18% लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है हमारे देश में. तो ये एक चीज़ हम अपने ध्यान में रखें जब हम आज सिद्धांत बनाने की कोशिश करते हैं. एक बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा है वो ये है कि कैसे हम एक नागरिक को, एक कॉमन सिटीजन को, एक पर्सन को अपने देश में इस पूरे परिप्रेक्ष्य के बिल्कुल बीच में रखें. क्योंकि आज जो हम जिस तरीके की पूरा मूवमेंट देख रहे हैं और जब डेटा डिजिटाइज हो रहा है तो एक एक्सक्लूजनरी तरीके से हो रहा है और लोग बाहर छूट रहे हैं पूरे प्रोसेस के और जो मिस्टिफिकेशन भी हो रही है डेटा की और उसके बेसिस पे जब डिसीजंस भी हो रहे हैं तो ना तो वो लोगों के हित में हो रहे हैं और ना ही वो उसके अंदर कुछ जवाबदेही मांग पा रहे हैं. हम देख रहे हैं कि पेपरलेस ऑफिसेस की बात हो रही है. दिल्ली में अब राशन विभाग ने हमें कह दिया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम पेपर रखेंगे, स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर होगा ही नहीं, सभी कुछ कंप्यूटर में होगा इसलिए कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा तो हम पेपरलेस जाएंगे. तो क्या पेपरलेस एक ऑप्शन है अभी हमारे देश में जो कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए? अपने देश के परिप्रेक्ष्य में भी हम इन चीज़ों को अगर देखें और अभी बात रखें. अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं क्या ये कल्पना की जा सकती है जब हम कहते हैं कि सूचना का अधिकार में भी अगर हम धारा 4 की बात करें कि लोग सरकार को खुद ब खुद सूचना लोगों तक पहुंचानी है और हम नहीं चाहते केवल इंटरनेट के जरिए से पहुंचाई जाए, पर क्या हम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? बोर्ड्स अगर हम कहते हैं लगने चाहिए तो क्या दिक्कत है? अगर डिजिटल बोर्ड्स भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उस सूचना को, डिजिटल फॉर्म की सूचना को भी किस तरीके से सरकार लोगों तक पहुंचाए और उसमें क्या पॉलिसी हमें हम चाहते हैं? एसएमएस का तरीका है, इंटरनेट लोगों के पास नहीं है पर मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन बहुत हाई है रूरल एरियाज में भी और सब जगह, तो उसको हम किस तरीके से करें? सूचना जब ये डिजिटाइज हो डेटा और सूचना तो उसको किस तरीके से किया जाए, क्या वो इस के उसका भी एक टेक्निकल एक स्वरूप हमें सोचना होगा. हमने सूचना मांगी तो बहुत मुशक्कत से सूचना मिली कि किस तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे एमएलए और एमपी,
तो सूचना जब मिली तो उसमें लिखा था P/L of CCR, उसके ऊपर लाखों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। हमने पूछा ये है क्या, तो किसी इंजीनियर ने हमें फाइनली समझाया P/L of CCR होता है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स। अब सूचना आप दे भी देंगे, अगर इस रूप में देंगे कि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, और उसी को हमें शायद इधर भी कुछ समझना होगा। जब सूचना, जब डेटा सरकार लेती है तो उसको कन्वर्जेंस का जो पूरा मामला है उसके ऊपर भी अगर हम थोड़ा बात कर सके, कौन इसको मैनेज कर रहा है, किस पर्पस के लिए इसको यूज किया जा रहा है, लोगों की क्या भागीदारी का ढांचा बनाया जा रहा है कि किस तरीके से लोग इसमें हिस्सेदार हो सकते हैं, तो इन कुछ ओपनिंग कमेंट्स के साथ आई इनवाइट आवर फर्स्ट स्पीकर अनुपम सराफ। For the ease of flow of thoughts, I'll just stick to English and I would request you to can just summarize in the translation. So I'm Anupam Saraph and I'm a professor of systems. I have been working in systems for almost 30 years now. I am also involved in with many NGOs across the country. I also have been involved with various governments in Europe as well as Asia for at least 20 plus years. I have the design of many digital technologies for governments and citizens to my credit for over the last 20 plus years. So with this short introduction, let me actually illustrate how do you come up with principles for digital interventions in any at any level with the use of an example. So I will actually talk about identity solutions, since I think Aadhaar is something which interests all of us and identity documents interest all of us. I thought, because I have limited time, that in 10 minutes I will try to come up with some principles in order to illustrate how do you deal with creating an identity document. I think principally we all accept that in a mobile society people need to be identified. If people stay in the same place, then you get to know each other, and if it's a small place, you know people and identity documents may not be required. But unfortunately, we live in habitats which have millions of people, and maybe a large chunk of them, more than 40%, 50% in some cases, are highly mobile, and they tend to change their place of stay in a short while of between, few years. Maybe in the city of Pune, we have, where I currently stay, about 60% of the people live there for less than 3 years, because they are all involved in the IT profession, which is highly mobile. So they all need to be identified. So while studying identification, we actually realized that there have to be certain principles which are used and which form part of a logical framework in order to come up with an identification document. And in the absence of using this, you may actually not be able to identify anything. So I'll just briefly state what these six logical steps are. Firstly, there are three parts to any identity document. First is the issue of an identity document. Second part is the use of an identity document. And the third part is the updation of an identity document. These are three very essential parts of any identification document that may exist. Second is, now let's look at the use, the issue. When you look at issue, the first step before you issue an identification document, you need to identify the individual to whom you are going to issue an identification document. If you're going to identify the individual,
then there are several ways in which you can identify the individual. The easiest way is self-identification. So I just introduced myself. It's an informal way of identifying. You know, most of the times in a small society, you would use this informal way of self-identification. Giving a visiting card is self-identification. Sometimes, when self-identification is not sufficient, you resort to an introducer system, whereby somebody who knows you in that community will actually introduce you to other people. So this introducer system is also used quite often in societies which tend to trust the introducer. The third and a more formal mechanism of identification has been the use of other documents or other certifiers. So what we tend to do is we resort to using third-party certification. So we kind of delegate the responsibility of identification to third parties. And based on whatever they say, you can use on that document in order to identify an individual, we use in order to identify an individual. Most governments tend to use some third-party documents in order to identify individuals. However, very often they make the mistake of verifying a document rather than identifying the individual. There is a big difference between verifying a document and identifying an individual. I can actually go with your document, get it verified, but in that process, I have not been identified. Now, after identifying an individual, any public or private agency which wishes to issue their own identity document does that. So, for example, the UIDAI used the mechanism of taking documents from people who wish to get a UID number. They verified the documents. They did not identify any individual. They verified the documents. If you go back to their enrollment process, they have not identified a single individual. They have only verified documents at best. And then, on the basis of that, they decided whether this person is eligible to be issued an identification number. After creating a new identification document, typically each agency which is issuing this identification document certifies and says that this process of identification has happened and I certify it. So if you look at your driver's license or you look at your passport, you will actually see there is a responsible government officer who signs and says that I certify that this process has gone through and this document is a valid one. Without this, this identification document cannot be reused even by the agency which has issued it. Because you can't verify whether this process of identification has happened. If you go back to your UID piece of paper which they gave, some call it as a UID card or an ID card, you will see that nobody has certified anything. They don't even certify that they have gone through an identification process or an address verification process, or that you are who you are, or that this is what they have issued. Nobody signs it. Nobody takes up the responsibility. So, this is about the issue of an ID document. When it comes to the use of an ID document, the very first thing that is required is that when somebody produces a third-party identification document, you need to authenticate the document. What is authenticating the document? You want to make sure that this document was issued by the agency which claims it was issued. So, for example, when there is a passport which is shown, you want to be able to verify that this is a genuine passport. If it's a driver's license, you want to be able to verify that it's a genuine driver's license. So if it's a UID number, you want to be able to verify that actually the UIDAI issued this number and it is not issued by somebody else. It's not just a random 12-digit number which you have got. So if there is a mechanism
by which you can actually authenticate the document, then you have a basis to say that this is a valid document. In the old days, we used to use this process of attesting documents in imagining that this is actually authenticating the validity of this document. So we would be asked to go to a gazetted officer, get it stamped, and the gazetted officer would look at the original and stamp the true copy and say, I certify this is a true copy. So when you are authenticating, it's a little bit better than attestation, because what you're doing is, ideally you should be querying the database of the original issuer and verifying that this was issued by them. So that's authentication. Then the second part in the use of an identity document is the ability to regulate its use. So if you're not able to regulate the use of the identity document, you don't know where all it got used. You don't, and if the identity document goes missing, you cannot stop its misuse. And if you want to actually allow the person who owns the identity document to know where my document was used, you have no means to control or allow that person to know that your document was used by the police in Delhi, it was used by the income tax authorities in Calcutta, it was used by ICICI Bank in Chennai, it was used by somebody else in some other location. There's no way to tell. In which case you can't really regulate the use of that identity document. And you, as the owner of that identity, have no control on where that identity is actually being spread. And it's, you have no ability to say that I don't want to share my identity with X, Y, or Z. Because I think it's your right to be able to decide where you want to give which document. And if you are not able to actually decide that, and you're not able to stop it from being misused, then that identity document really is not really serving a good purpose for you. It may be serving somebody else's purpose. Then, in the part relating to the validation or updation of the identity document, there are two components. So the first part there is that relating to audit. So has anybody actually conducted an audit of the process by which identification happened, certification happened? Has anybody actually audited the authentication process? Has anybody actually audited the process by which this identity document is regulated? If there is no audit of these processes which has happened, then the identity document itself does not serve very much of purpose. In the case of Aadhaar, no such audit has happened for any of the processes. Okay. Final part is basically in terms of updating the identity document. And when you look at any piece of identity that you are looking at, your address may change, or sometimes you may change your name. The name may change in the case of people due to marriage, because they change their name or for whatever other reasons. And they may change address, they may change mobile numbers, they may change email IDs. The ability to store the history of the updation and for you to actually see when you change the history of whatever you updated in your identity record has to exist for a good identity document. In the case of Aadhaar, while updation is allowed, it overrides the old record. And therefore, it is not possible for you to actually know when who updated your record itself. So I think if you look at this framework, it actually tells you that unless you look at the life cycle of how this information is going to be used and for whom it is going to be used, what purpose it is going to serve, you are not able to come up with some kind of first principles in terms of identifying what would make up a good identification document. And similarly, when you are actually creating any kind of a digital tool, you need to evolve a set of principles in a similar way by looking at the total life cycle of the information that is going to be created,
that's going to be used and that's going to be updated throughout its life cycle. So I will stop here because I think I totally excuse me, sir. So the six principles that you outlined were subcomponents of these three? Yeah. So the six is basically the first two were for the issue. Issue, the next use, two and update. Correct. Thank you. बहुत जल्दी से मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ आपने बताया कि जो ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है अगर सभी एक ही जगह पर रहते तो एक दूसरे को जान भी सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन की कम ज़रूरत होती पर मोबाइल सोसाइटी में ज़रूरी है कि कुछ आइडेंटिफाई किया जाए लोगों को फ्रेमवर्क आपने एक दिया आइडेंटिफिकेशन अगर करनी है तो किस तरीके से होनी चाहिए और अगर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनता है तो पहला उसमें तीन मुख्य स्टेप्स बताए पहला है उस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को जब बना रहे हैं इशू कर रहे हैं उस समय पे क्या होना चाहिए दूसरा उसके इस्तेमाल के समय पे क्या होना चाहिए और तीसरा उसके अपडेशन के समय पे क्या चीज़ें होनी चाहिए हैं जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो तीन तरीके हो सकते हैं पहला तरीका तो मैं अपने आप को खुद आइडेंटिफाई करूं दूसरा तरीका कि कोई इंट्रोड्यूसर मुझे आइडेंटिफाई करे और तीसरा तरीका है कि थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है जो कि अन्य डॉक्यूमेंट्स से हो जो कि जन्म प्रमाण पत्र या किसी और डॉक्यूमेंट से आइडेंटिफिकेशन हो और उसमें यहाँ प्रॉब्लम एक जो आती है वो ये है कि आप डॉक्यूमेंट को तो वेरीफाई करते हैं पर जो इंसान है उसको आइडेंटिफाई आप नहीं कर रहे हैं और यूआईडी में हम यही पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है पर जो जिस इंसान को हम यूआईडी नंबर दे रहे हैं उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है दूसरी बात जो यूज है आईडी डॉक्यूमेंटेशन की उसमें वेरीफाई करना कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है भी कि नहीं है अगर ड्राइविंग लाइसेंस है पासपोर्ट है तो उसकी भी हमें जरूरत होती है ऑथेंटिकेट करने की कहने के लिए कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट है आइडियली मतलब हम चाहते यही हैं कि ओरिजिनल डेटाबेस भी क्वेरी हो तो जो ये नहीं है केवल के ऊपरी उस पे हो जो डेटाबेस था जिसके बेसिस पे ये डॉक्यूमेंट बनाया गया उसको भी क्वेरी होना चाहिए और रेगुलेट करने का के लिए बहुत ज़रूरी है कि अबिलिटी टू रेगुलेट द यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाता है तो आप कैसे बताएंगे कि कौन उसका कहाँ इस्तेमाल कर रहा है उसका ठीक इस्तेमाल हो रहा है गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए रेगुलेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है और अगर हम रेगुलेट नहीं कर सकते अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी तरीके से यूजर जो है वो नहीं रेगुलेट कर सकते हैं तो फिर हमारे लिए वो किसी मतलब का नहीं है किसी और के लिए वो मतलब का हो सकता है डॉक्यूमेंट अपडेशन की बात जो आपने करी उसमें ये था कि ऑडिट की ज़रूरत है अंकेक्षण की ज़रूरत है यूआईडी में अगर देखें तो कोई भी किसी भी प्रकार का ऑडिट नहीं हुआ है हमें हिस्ट्री हमारे डॉक्यूमेंट की क्या रही उसको देखने में हम सक्षम होने चाहिए हैं अगर अपडेट हो रहा है मेरा कोई नंबर या पता या कुछ भी कब हुआ किस समय पे हुआ अगर मैं नहीं देख सकती हूँ तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और आपने बताया कि ये केवल यूआईडी नहीं पर जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट बनता है उसके लाइफ साइकिल के लिए ये पूरा जो प्रोसेस है जो सिद्धांत है बहुत बहुत धन्यवाद और नाउ वी मूव टू राहुल शर्मा इफ यू कैन स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन Good morning everyone, my name is Rahul Sharma. I work with an organization called Data Security Council of India, which is a not-for-profit organization started by NASCOM to focus on cybersecurity data protection matters. And we are a self-regulatory organization working with the organizations, our member companies to help them better deal with the information security, cybersecurity privacy policies and projects that India is a safer destination for outsourcing. Can I also request you to briefly translate, if that be possible in Hindi, so that it Okay. So for introduction, Rahul Sharma, my Data Security Council of Chief Satavatam, which is part of NASCOM.
NASSCOM is the industry body for IT and BPM companies in India. So, and I won't be able to translate the entire thing, but I definitely like to use your services to. So I have no idea why I have been invited here, because I see that I am the outlier for this entire the forum that has gathered here. I'm one of the from the industry, I think I'm the only one participating here. Here's the first privacy document of the world. And so I yesterday evening I started searching virtually, speaking here, and as I entered the title, the first thing I got was the agenda for the session. So I closed on the browser, I knew that I couldn't find anything. So I just started putting some thoughts around it on what can be the this framework that we are discussing for information or data governance by the organizations. So we are, yesterday's discussion, I think you would have learned that we are living differently in an information age. And not just information, but we are living in an information overload. Wherein, compared to 10 years back, the amount of data generated is 45 times more than we had in 2005. So it's pretty tremendous, the rate of technology advancements and how it is, you know, entering each and every realm of our society in everything we do. So earlier, I think 5 years back, if you see, less than 10%, 15% people had smartphones, cell phones. Now everyone, 90% of the population has cell phones, and more than half of them are smartphones. And they have the ability to collect data, they have the ability to generate data. Now we're also embedding and using sensors in everything, you know, from starting with the fit bands to sensors embedded in heart rate monitoring devices, healthcare devices. So these devices are everywhere, so they have the ability to collect and generate data. And these have tremendously gone up, and so I think the scope for misuse for such information, vast information available, has gone up tremendously. And that has got the civil society and the governments equally worried on how the information needs to be governed, so that the privacy, information is secure and privacy is not tampered, or privacy is not breached of an individual. So the democratic principles of that it should be ethical, the data collected should be ethical, the use should be ethical, the processes should be transparent, and if you look at the Abraham Lincoln's principle of participatory democracy, of the democracy is of the people, by the people, for the people. And I think we can equally translate that from a data viewpoint, that we have been living in age of where we have been governing, the governance has been of data. We are moving slowly into governance by data, where different algorithms and data sets have a role to play in shaping our opinions and beliefs and whatnot. And then we will be moving to an age of governance for data, where the data ecosystem have to be involved completely for how data is ruling us. So starting with off, so which has been traditional, because you know, digitization started in the early 90s, when the organizations moved to the IT, started adopting IT, and the traditional businesses are still not completely digitized, but the rate of progress is pretty significant, and they are moving towards complete digitization with industrialization 4.0 hitting, as predicted by World Economic Forum. So, from an organization viewpoint, take the example of Aadhaar, because that's the most discussed example. They need to have a policy where they need to define on how information is to be governed. So they need to have an information lifecycle policy. They need to have associated data security and privacy policies on how information has to be used. They also need to have identity access management policy that will decide on who gets access to what. Nobody in Aadhaar or UIDAI will have access to everything. So that policies will have a different role to play. So I'll take an example of information lifecycle policy, which governs on how information is generated, collected, stored, transmitted, received, who all uses it, for what purpose, etc. So
from a principal viewpoint, I think the privacy principles definitely hold value for information lifecycle use. And then the organizations are required to, you know, develop or adopt governing structures on how this data has to be used or managed within the organization. So you know, in the earlier discussions, there was, you know, the point being made was that you need to have structures which and frameworks which further your objective. So one is you need to identify the objective on what, why is this task being done, and in line with those objectives or principles, you need to have structure and governance frameworks. And organizations like Aadhaar and also many others, they adopt frameworks for data management, data governance. Now there has also been discussion on whether information governance is different from data governance, because information is much more intelligent than data. But I think these are discussions for some other day. For today's purpose, I think we can look at organization having policies to decide on how information comes to them, what they do of them, how they dispose them, and there has to be a complete policy and life cycle associated with the information. So, as Sir was mentioning about the Aadhaar case, so Aadhaar regulations now clearly specify that for how long Aadhaar has to retain information. It has to retain information for 2 years, and then it can further archive it for 5 years. So that data retention policy is now embedded with Aadhaar. If an individual has to change his or her record, then he need to convince the authority that this information is updated. And then audit trail is maintained, not for lifetime, but definitely for 5 years, Aadhaar is going to maintain that, because that's part of the regulatory requirements for Aadhaar. So, you know, as we move from the governance of data to governance by data, which, as Pandita was mentioning about the artificial intelligence and IoT, with every device connecting to other devices, the amount of data being generated and transmitted will, you know, is expected to go by approximately 20% in just next 5 years. So we'll have devices talking to each other. They are generating data more than ever before, and that data is being used to that data is being analyzed to throw up some meaningful results and recommendations that can be used for better governance. Not only the governments, but also organizations are using that sort of information that can help them provide better services, be it, you know, analytics and for ads, or governments are using these services for better urban planning and, you know, devising services which can be of use to citizens. So this use will definitely go up. Here the important point is of the data quality or the data integrity, because that is, we need to trust the data which is being made available. So I have the data set, but if I manipulate the data, it's not going to give me the results that are intended for it. So with the governance by data, I think the integrity or the data quality aspects are very important from an organization and individual viewpoint, so that it does not get compromised. And the principles of security are CIA, which is the confidentiality, integrity, and availability. So CIA will be continued to be applicable across the information life cycle. Then we are slowly progressing to an age of information to governance for data, where, you know, the data ecosystem becomes so powerful that it will determine self-rules, self-governance of how it is to how the rules will be laid out for you know, the data ecosystem and how services are being provided, etc. So we have been talking about, you know, how the companies which are for which data is the oil, they have been using data to manipulate or provide some sort of intelligence services, or for example influencing user behavior, etc. And this is a trend that will continue, and slowly and steadily I think we'll move from a stage where from being a user and consumer of data, we'll become data slaves. We will be so dependent on data that our life will be unimaginable without them. So if you look at the evolution of civilization, so you will find that when humans, starting with this civilization on Earth here,
So when humans are there, there is no technology available to them. They start progressing. This slowly and steadily moves towards technology. They start generating data, and they further progress. They use data for everything, and then going forward, which is predicted that data will rule the entire ecosystem, and then there will be wars for data, and then civilization goes to another planet like Mars in 2030. So I think the data has played a very important part in determining what needs to be done for welfare. There are good and bad users for data, and I can take a single example like other also, which has both good and bad users. It is up to us on what rules and governing frameworks do we adopt to stop misuse, so that data cannot be misused or they cannot be abused by certain individuals or organizations for their benefit or for disrupting the current course. आपने बताया कि जो इंफॉर्मेशन एज है उस अब हम लोग इंफॉर्मेशन एज में हैं और टेक्नोलॉजी हमारे हर जीवन के हर पहलू में हम पा रहे हैं. सबके पास सेलफोन है, अब सेंसर्स हैं जिससे कि लोग जो पहनते भी हैं, जिससे कि मूवमेंट का पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो ऐसे में प्राइवेसी कंसर्न्स एक बड़ा मुद्दा बन जाते हैं. हमारे बारे में क्या सूचना है, कहाँ है, किसके पास है, शेयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. आपका कहना था कि डेटा यूज के लिए जो सिस्टम हम बनाए वो ऐसा होना चाहिए जो एथिकल भी हो और ट्रांसपेरेंट भी हो, पारदर्शी भी हो. और आपने कहा कि जैसे हम कहते हैं कि ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, कि सरकार लोगों के लिए और इस तरीके से, तो अब ऐसा हो गया है कि जो गवर्नेंस डेटा की है वो पहले ऑफ द डेटा थी, फिर बाय द डेटा हो रही है और फिर फॉर द डेटा हो जाएगी. ऐसा एक समझ में आ रही है जो सिनारियो है. और ये बताया कि इंफॉर्मेशन की लाइफ साइकिल पॉलिसी के पूरा जो इंफॉर्मेशन जब जन्म लेती है और जब वो खत्म होती है इंफॉर्मेशन, उसके अराउंड पूरी पॉलिसी की एक ज़रूरत है. और उसके आपने बहुत सारे वो भी बताए, पहलू भी बताए. सूचना इंफॉर्मेशन कैसे एकत्रित की जाए और उसका उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसका एक्सेस किसको हो, क्या कंसेंट की ज़रूरत है, अगर कुछ हम किसी के भी बारे में सूचना है तो उनसे कंसेंट लिया जाए क्या, कि ये सूचना हम किसी को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो ज़रूरी है. प्राइवेसी के प्रिंसिपल्स को ले डाउन करना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ साइकिल पॉलिसी में. सिस्टम्स हैव टू बी इवॉल्व टू गवर्न डेटा यूज, मतलब जो डेटा इकट्ठा हो रहा है उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसका पर्पस क्या होगा, उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है. आपने ये भी बताया कि डेटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क है, पर कहा कि आज का जो डिस्कशन है उसमें हम ये सब कवर नहीं कर सकते, पर कहीं पर इंफॉर्मेशन शायद डेटा से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसके लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी चाहिए होंगे. इसलिए डेटा और इंफॉर्मेशन को डील करने के लिए डेटा को हम ख़त्म कैसे करें, डिस्पोज कैसे करें डेटा को, उसके लिए भी, और डेटा को रिटेन कैसे करें, डेटा रिटेंशन पॉलिसी हम क्या चाहते हैं, उसके लिए भी सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है लाइफ साइकिल अप्रोच में आपने बताया. फिर गवर्नेंस ऑफ डेटा के बाद गवर्नेंस बाय डेटा, फिर ये बात है कि अगले कुछ साल में ही 20% बढ़ जाएगा जो भी डेटा अभी है, और इसका इस्तेमाल ना केवल सरकारें करेंगी बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी इसका इस्तेमाल पूरी तरह से करेंगे. और ऐसे में डेटा एक पावरफुल टूल बनता जा रहा है और उसके भी उसके लिए भी हमें सोचना होगा कि क्या सिस्टम्स हम चाहते हैं उसको गवर्न करने के लिए पूरे यूज़ को.
और आपका मानना है कि डेटा इतना पावरफुल बन जाएगा फाइनली कि वही अपने लिए ही तय करेगा एक तरीके से कि क्या सेल्फ गवर्न ही करेगा कि क्या उसका ढांचा होना चाहिए, मतलब जैसे डेटा एक तरीके से तेल ऑयल के जैसे बन जाता है बीच से केक को, और डेटा से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यूजर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, पूरा थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करना, और ये भी एक संभावना है कि हम लोग केवल डेटा स्लेव्स बन के रह जाए, मतलब हम लोग डेटा के एक तरह से नौकर बन जाए। और आपने ये भी कहा कि जो जिस तरीके से एवोल्यूशन चल रही है डेटा, पहले लोगों किस तरीके से डिजिटल होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है, तो पहले तो थी नहीं, फिर आनी शुरू हुई और अब जिस रफ्तार से आ रही है तो लग रहा है कि 2030 तक शायद मार्च तक भी लोग जाके रहने लगे और पहुंचे। और डेटा के अच्छे और बुरे सभी टाइप के यूज हो सकते हैं और इट्स अप टू अस, ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस तरीके के फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे कि डेटा का मिसयूज कम से कम हो। आई होप आई कवर इट। जस्ट वन पॉइंट आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हिच इज important. So I take this example of Volkswagen emission control fiasco in Spain, where they designed software to cheat. So whenever inserted in pollution control kit, it would throw goofed up result, and that would never really know that engine is sort of emitting more than it actually should. Now there has been call for reforms that such this algorithms and programs and software should be made open, should be public for anyone to see. But then there are equally growing risk of having this softwares and machines and software programs being misused by the individuals. So often people believe that if a software, a program is open, is the source code is made available, I think that should be then it's more secure and it's better. But time and again results have shown that it's not that if a software or source code is made open then it is more secure and provide better transparency. So we have example of Heartbleed vulnerability in the secure socket layer, and there are many more. So Linux, etc. Unix have been hacked. There are inherent vulnerabilities even if the source code is made available. If you make it open, then you obviously provide individuals and organizations more time to actually run through the entire process, devise what the attack vectors could be, and then further manipulate the system. And if it is open, nobody actually takes care to actually review it and fix the patches unless somebody really points them to it. So these are the pros and cons of having proprietary as well as open and open source code, open software when it comes to transparency. अंत में आपने जो पारदर्शिता के प्रिंसिपल है उसके बारे में बात की, और उसके क्या पॉजिटिव हैं, और मतलब क्या अच्छी बात हो सकती है पारदर्शिता से और क्या खराब हो सकता है उसके बारे में कुछ बात की आपने। गाड़ी बनाने की कंपनी वॉल्क्सवैगन जो है उसका बताया कि उन्होंने इस तरीके के कुछ एल्गोरिदम्स और फॉर्मूले डाले कि उनके जो इमिशन है वो गड़बड़ बताते रहे, कि एमिशन वो जितनी कर रहे हैं उससे कम बता रहे थे, और अगर ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, तो ऐसी चीजों को पकड़ा जा सकता है। ये एक उन्होंने बताया कि एक फायदा हो सकता है, पर ये भी बताया कि खोलने से भी ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही रहता है, उसके भी अपने कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, लोग भी उससे टिंकर कर सकते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता है कई बार अब क्योंकि वो ओपन है। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll now move to Osama Manzar. Will you be speaking? Question. अच्छा कोई है जो हिंदी नहीं समझ सकता? आप ही नहीं समझ इस बात को पर्शियन में जरूर कहते हैं।
Who cannot understand Hindi at all? Okay, so I can. मुझे पता है कि शंकर जी भी समझते हैं हिंदी बड़े मज़े, इंग्लिश बड़े मज़े से. तो हम डेटा की तरह इस्तेमाल भी होंगे. हम कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हम वाकई कुछ नहीं पता कि कैसे, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज यहाँ बैठा हूँ, 10 मिनट गुजारना है. कल मैं रन ऑफ कच्छ में था, अगरिया कम्युनिटी के साथ में बैठा हुआ था. वहाँ पर 3,500-4,000 अगरिया कम्युनिटी रहते हैं और उनके पास कोई जिंदगी का कार्ड नहीं है. उनके ऊपर आज तक सेंसस भी नहीं हुआ है. अंग्रेजों ने भी सेंसस नहीं किया उनका और हमारे सरकार ने भी सेंसस नहीं किया, तो वो हमारे डेटा के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करते हैं और हम सब उनकी नमक खाते हैं, तो उनके बनाए हुए नमक भी खाते हैं और उनकी बाइक से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके सब वो खुद बनाते हैं. कल मैंने देखा कि वो अकेले पंपिंग सेट लगा के, डायनमो लगा के, 5 पॉइंट का ट्रांसफार्मर लगा के उसने पूरे रन ऑफ कच्छ में 5 फैमिलियों का कार्ड जोड़ रखा था और उसकी बाइक में कोई नंबर नहीं होता है और वो पूरे रन ऑफ कच्छ में घूमते हैं और किरासन तेल भी रखते हैं और डीजल भी रखते हैं, जब जो मर्जी होती है चला लेते हैं उससे एक तार बदल के. और उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी को मार देंगे तो कोई पुलिस पकड़ भी नहीं सकती क्योंकि पुलिस बिना रजिस्ट्रेशन के इंटर नहीं कर सकती. तो पुलिस, आपने अगर एक्सीडेंट कर दिया, आपकी गाड़ी के पास अगर नंबर नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो आप वो एक्सीडेंट रजिस्टर नहीं हो सकता. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में ना बिना लॉ के, बिना पेपर के, बिना इसके चल रहा है काम, और शायद इसीलिए डिजिटल से हमको प्रॉब्लम भी हो रही है. हमने आज तक पेपर नहीं अपनाया, डिजिटल कैसे अपनाया मेरे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी भी 40% लोग इलिटरेट जो बोलते हैं वो भी लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन उसकी जिंदगी तो चली गई. तो और लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी तो 80% क्या 99% लोग नहीं जानते एक्चुअली. जिस तरह से हम डिजिटल की बात कर रहे हैं 99% हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि मार्स में चले गए और आजकल सब लोग सेंसर पहन रहे हैं, ये तो 1% से भी कम लोग जो है वही बात करते रहते हैं एक दूसरे की. एक्चुअली देखा जाए डिजिटाइजेशन का मतलब है कि मैं यहाँ बोलूं और सारे डेटा एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होकर रिकॉग्नाइज कर लें कि ये बंदा यहाँ बोला है, ये इसका नाम ओसामा मंजर है, ये अब इस स्टेशन पे है और वहां से उतरा. दैट इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन. डिजिटाइजेशन इज कॉल्ड एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मींस यू कैन इंटरकनेक्ट ऑल द डेटा एंड लेट द डेटा रिकॉग्नाइज विद ईच अदर. आई थिंक दैट्स व्हाट डिजिटाइजेशन मींस. As for me, at the moment we are being digitizing means photocopy किया था, उसके बाद उसका digital में चला गया. पहले paper पे था, computer में है, computer वाले में चला गया, तो फिर मेरे पास computer नहीं है, तो फिर से वो बोल रहा है print निकालो. तो हम घूम रहे हैं loop में एक दूसरे के साथ. तो actually digitization हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है basically copycat की तरह, you know, we are being consumer, we are being utilized by the corporate and different kind of worlds from outside. Who is saying that कि अब आज की जिंदगी अब ऐसे जीना शुरू कर दो, तो हम अब वैसे ही जीना शुरू कर दे रहे हैं. हम कंफ्यूज हैं बिल्कुल, इसीलिए हमारी पूरी जनता जो है जाकर फोटोकॉपी भी करा लेती, फिर उसको नहीं पता है कि फोटोकॉपी से क्या होने वाला है. फिर कल अनाउंसमेंट हो गया कि कुछ और कर लो, तो नोट लेके खड़े हो गए बैंक के सामने, तो हमें पता ही नहीं कि हम आ रहे हैं या जा रहे हैं. यू नो, वी हैव नो आइडिया. सो एक्चुअली वी आर अ कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर बीइंग यूज्ड एज अ पेस्ट. यू नो, वी आर जस्ट बीइंग कंज्यूमर्स and being used by, जो यूज कर सकता है वो कर रहा है, हम यूज हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. We are very conveniently being used by everybody. So, and as a country being utilized, आप कोई भी प्रिंसिपल उठा के देख लो, जो असली में जो हम प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं. मुझे तो लग रहा है कि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें कोई, हम मर के जी रहे हैं या जी के मर रहे हैं, जैसे भी मर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम बस जीत जा रहे हैं. कोई आज उसने बायोमेट्रिक लगा दिया, सब जाकर फोटो उंगली लगा दिया, फिर आगे शिकायत करना शुरू कर दिया. तो उंगली क्यों लगाया भाई जब शिकायत करना था, तो क्यों उंगली. आई मीन आई एम सेइंग दैट कि इफ इफ यू डोंट लाइक बायोमेट्रिक, व्हाई डू यू गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बायोमेट्रिक. सो अगर हमको बैंकिंग 55% लोग बैंकिंग नहीं जी रहे, तो बैंक नहीं है तो हमको ऐसे भी जीना क्यों जा रहे हैं. फिर बैंक का पासबुक भी ले लिया, फिर बैंक में पैसा भी नहीं जमा कर रहे क्योंकि पैसे ही नहीं है. सो यू नो, हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट की शिकायत कर रहे हैं, गवर्नमेंट ही नहीं है यहाँ पे. मतलब हम, आई डोंट नो क्या होगा, फिर प्रेस में लिखेंगे, फिर उसके बाद कोई सुन लेगा.
You know, so I am totally confused in a character. मतलब हम लोग ये करने से क्या होगा ये digital? मुझे लग रहा है आज digital शुरू होगा पर 40 साल तक लगेगा हमें digital सीखने में. तब तक कुछ super digital हो जाएगा जिसमें देख के ही हम recognize कर रहे हैं जैसे आपने मुझे वो बोला ना कि identity हम बोलते हैं कि हम Osama हैं तो लोग बोलते हैं कि yes Osama. That's the best technology. That is technology actually. You know that is because we look different. Everybody looks different and you know, you are recognized generally by just seeing and watching, and you are just recognized the difference and believe. So, our whole system is working on a non-believing system. I don't believe you what you say, and therefore we create a system, and therefore you have to adopt the system. And then we don't believe that system also, because then you get into the cycle of privacy, and you know. मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, but let me come back to the way the rest of the people talk. And now I will talk 5 minutes. And I regret इसीलिए तो लोग समझते हैं मैं डिजिटल जमाने को डिजिटल बिल्कुल नहीं जानता. मुझे इतना पता है एक चीज कि डिजिटल की कनेक्टिविटी की वजह से जो मुझे नहीं जानता है उसको मैं जना सकता हूँ. ये थोड़ा मुझे पता है. आप डायरेक्टर डिजिटल हैं या डिलीट वाले हैं? तो जैसे सारी दुनिया बात करती है वैसे मैं एक बात करना चाहता हूँ. What is the current scenario? The current scenario of digital intervention is that 90% of the people are not digitally connected or not digitally utilized. It's not 80%, 20%, it's more than 90% that actually speaking, as far as the connectivity is concerned and the total data synchronization is concerned. Total bhi nahin, but some level of data synchronization is concerned. Mobile bhi hum kehte hain ki logon ke paas zyada hai. Actually, only 600 million people have got mobile, not more than that. In uniqueness. So most of the people have got 2-3 SIMs, but in unique user level is only 600 million. So we are still 700 million minus 70-75% women do not have mobiles. So if that is the highest level of penetration which we are talking, if there is a digital device that is the most important device, that also is our 72-75% of the people not have. जो कि घर का काम चलाती हैं और वो भी यू नो दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. तो वी आर जनरली इन अ सिचुएशन वेयर इफ वी डेवलप अ प्रिंसिपल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी थ्रू डिजिटल इंटरवेंशन. बट इट हैज टू बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट if opportunity is 80-90% and if we build the case that 80-90% people are not digitally connected and therefore they are living a life of non-digital and we believe that digital is the future and digital is the connectivity, then we are talking about 90% of the people and their future and efficiency related to the 90%. I'm talking about building the case. Building the case is not saying 80% people are mobile and we are digitized. Building the case is saying that still 90% people have nothing to do with digital, and then start the case from there. And the second part of the case is why, for anything that to do with the consumers, why they are not involved? Why it is only government who involve corporate to decide what should be adopted? That means we have allowed the government to do so because corporate want to sell the product, because every digital equipment is a sellable product. So they have to sell, therefore, and government is a great buyer, and then you buy in masses, and then put this thrust upon the people. So, you know, suddenly the world decided the biometric is a great device, we will sell, you know, several million, India is the best place, where billion log rehte hain, just thrust it upon through automation system and say government that, you know, UID requires this, and then thrust it upon. And then uske baad dekhenge ki लोगों को घुमा देंगे कि प्राइवेसी की बात करो, इसकी बात करो, उसकी बात करो, घूमते रहेंगे तब तक मेरा सामान बिकता रहेगा. यू नो, सो वी हैव टू बिल्ड द केस वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली दैट 90% ऑफ द ह्यूमंस ऑफ इंडिया डू नॉट यूज डिजिटल. दे आर नथिंग टू डू विद डिजिटल. वी नो दैट डिजिटल कैन प्रोवाइड एफिशिएंसी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. डेटा कैन टॉक टू ईच अदर, देयरफॉर इट कैन हेल्प मी यू नो टू हैव अ बेटर लाइफ. सो द प्रिंसिपल इज दैट शुड बी डेवलप at a national level with the equal participation of civil society, people, government and private sector. Not private sector because they are more intelligent, but because they make products, you know, not because they intelligent. For intelligence, they need to go to the people to find out that how it will help them at every level. Yeah, I'll finish it.
तो ये मैं कहना चाह रहा था कि 90% लोग चूंकि नहीं डिजिटल इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमको केस इस बात पे बनाना पड़ेगा कि चूंकि इतनी बड़ी जनता नहीं इस्तेमाल करती है, तो हमारे लिए अगर कोई चीज बनाई जा रही है तो हमसे पूछा जाए, हमसे बताया जाए, और हमसे पूछ के बनाया जाए, हमारे ऊपर ट्रस्ट ना किया जाए। चूंकि आपने नहीं पूछा इसलिए हम तो चिल्लाएंगे, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। एक्चुअली हमको लगता है कि जिस तरह से आरटीआई पे एजुकेशन हुआ था और जिस तरह से मास लेवल पे लोगों को इन्वॉल्व सड़क पे आके जो एजुकेशन हुआ था, अभी हमको उस लेवल पे एजुकेशन करने की जरूरत है कि ये लो अपना कार्ड, ये लो अपना बैंक अकाउंट, ये लो अपना मोबाइल, ये लो सब कुछ, हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक आप इस तरह का सिस्टम नहीं बनाओगे जो सारे एक दूसरे से बात कर सके और सारी एफिशिएंसी हमें दे, क्योंकि हम जी तो रहे थे कल भी, हमको ये मिलने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। हम आधा इस्तेमाल करके और आधा लेके हम अपनी अपना केस नहीं बना सकते। ये मुझे लगता है कि ऐसा केस बनेगा। और ऐसे लोग चूंकि डिजिटल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है, तो हम सड़क पर भी ज्यादा लोगों को लेके आ सकते हैं। जब सड़क पर लोगों को ज्यादा लेके आएंगे तो हम प्रेशर भी डाल सकते हैं। तो ये प्रेशर से ही बनेगा। अब ये अखबार में लाइन लिखने से नहीं बनेगा, आर्टिकल लिखने से नहीं बनेगा, और उन्हीं का चीज इस्तेमाल करके हम नहीं बोल सकते कि यू नो मतलब एक तरफ हम मोबाइल खरीद के मोबाइल यूज कर रहे, दूसरी तरफ हम बोलते हैं मेरा डेटा यूज मत करो। एक तरफ हम जीमेल अकाउंट खोल लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारे डेटा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ ऑलरेडी जो भी। तो हम आधा गेम नहीं खेल सकते, हम वी आर प्लेइंग गेम इन द हैंड्स ऑफ देम, हम उन्हीं के रूल के हिसाब से हम गेम खेल रहे हैं, इसीलिए हम ये हारने वाला गेम खेल रहे हैं। तो हम मोटी बात यही कहनी है कि हमको केस ये बनाना है कि वी आर नॉट डिजिटल, we need to get together to say that you did, never discuss with us that how do we get into digital in terms of digital governance, and therefore the plan has to be new way made, either at a very small scale, ek hi state ko utha ke hum wahan pe kare ya ek district ko utha ke kare ya ek gaon mein ja ke hum khud kare। अब एक गांव से आरटीआई शुरू किया था, एक गांव से ही शुरू किया था, तो हम एक गांव को ही पकड़ के हम पूरा डिजिटल खुद करके देखते हैं कि क्या करने से कैसा होता है कि जहां हम प्राइवेसी भी मेंटेन करें, हम एक दूसरे को भी जाने और डिजिटल भी करें, और क्या ये पॉसिबल है, हम एक केस अपना खुद भी बनाने की हिम्मत कर सकते हैं, तो हमको करके देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम आधा सिस्टम यूज करें और आधा ना करें, इससे हमारा केस नहीं बनने वाला है, मुझे लगता है ऐसे। तो मेरी राय यह है कि अगर हम इस फोरम में जो कि ये मान रहा है कि हम प्रिंसिपल्स कैसे तैयार करें, तो मेरी राय है कि प्रिंसिपल्स इस बात पे तैयार किया जाए कि हमारा एक बड़ी जनता जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही है और उसकी शिकार है एज ए कंज्यूमर। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी गवर्नेंस की पार्ट भी वो बने और उसके डिजाइन की भी पार्ट बने। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें। जॉन ड्रेज, आप अगर अपनी बात रखें। You can even speak from there. It's better. अच्छा यहाँ पे आ जाएं। Better. All in demand is that you can't. You are the public. No. Guys, people say this one. I haven't been speaking English, but since you translate so well, I'm sure it's fine. The subject of this session is First Principles for Democratic Accountability in the Age of Digitalized Governance. I'm not at all qualified to comment on this, but since I'm here, I'll try to add a few thoughts to what has been said, in particular to the principles that have already been proposed by Anupam. Before that, a couple of larger reflections on technology and digital technology in particular. One thing I find really amazing in India is the difference in pace of technology that concerns ordinary people and technology for the privileged. If you look at a bicycle, just please to give you one example because I don't have much time, but I could give you two examples. Just think, the bicycle of today, screw for screw, is the same as 40 years ago, if not more. I'm saying 40 because it's the time when I came to India, but I'm sure it's actually more than 40. There's absolutely not a single part that has changed. And it's not like cycles can't be improved. I mean, firstly, you could have gears, you could have lights, and you could have electric bicycles, which are really wonderful, foldable bicycles. And nowadays, in many other countries, including China, for example, there are all kinds of bicycle-like technologies that have been developed, but in particular to
promote alternative energy and so on. So it's a very rich field of technological change which somehow is completely missing in India. And I can give you plenty of other examples. And when you compare that with the pace of technological change for the privileged, whether it's, you know, cars, AC, smartphones, digital technology, the whole thing, there's a really amazing contrast. Secondly, I think we have to distinguish between technology and technocracy. Technology, obviously, per se is not bad. We need all kinds of new technologies. For example, in the field of renewable energy, we need a huge amount of technological innovation to face climate change. Many other technologies in the field of transport, communication, all kinds of things, even domestic appliances can be very, very useful. But by the same reasoning, technology is not good per se, it can be misused. And one of the ways in which it can become counterproductive is when technology becomes an end in itself and becomes the driver of the way things are done, which is when it becomes technocracy. So the first principle I would like to add to those that have already been proposed, I'm going to propose five quickly. The first one would be that when we introduce new technologies, in particular digital technologies, we should have the convenience and the interests of the underprivileged and marginalized people at heart. I think that's really important because many of these technologies are being promoted by corporate interests. And it's not like corporate interests are always opposed to people's interests, but very often there are conflicts. And there is, as it is, I think, a general syndrome in India of public policy paying very little attention to the people who don't matter, which is the vast majority. And all the more so in fields of public policy that are driven by corporate interests. So that would be the first principle. Second one, that these technologies should really be introduced gradually. All the principles I'm going to propose have been violated in the case of the Adapt project in particular. The third one related to that is that they should not be made mandatory until they are shown to be reliable and well-tested. Fourth one is, again related to the first three, that when new technologies are introduced, there must be a process of independent evaluation. Otherwise, we just get a lot of propaganda claiming success after success when actually the reality is completely different. And the fifth one is, of course, the need for privacy safeguards and also all kinds of other safeguards. I mean, this is something that needs to be fleshed out. Basically, safeguards aimed at some kind of democratic accountability, since that's what we're talking about. Now, in the case of Aadhaar, there's an appearance of safeguards in the form of the Aadhaar Act, but actually the Aadhaar Act is completely loaded in favor of the UAIDAI, which basically wrote the Act and basically keeps all the powers and gives very little power to the people who are the target of this new technology. So as I said, in the case of Aadhaar, since we talked about Aadhaar, and I'm sure we talked about Aadhaar yesterday also, all this has been violated. And of course, there are all kinds of other concerns about Aadhaar, you know, surveillance, unreliability, the adverse effect it's having on welfare program and so on. I don't want to go into that since there's no time. But I just want to end by saying, where do we go from there? If it's not, if the way it's being conceived, it's being planned now, is highly inappropriate, which I think is increasingly well established. Well, one way forward, of course, is to scrap the whole thing and destroy the database and go back to square one. Another one would be to convert the entire project into, drop the whole biometric part, which is the most objectionable, and just treat Aadhaar as a voluntary card. But this brings me to a point which I comment on in your presentation, that Aadhaar was not at all a document in the initial scheme of things. It was just a number. And in fact, UAIDI resisted the idea of a card, I think, for a long time. For them, the card was just a way of communicating the number to the person, nothing more than that. Now, of course, you could change gear and say, no, let's forget the biometric authentication, this whole idea of ubiquitous authentication through biometrics, and treat Aadhaar as a voluntary card. But then the questions you have raised start mattering a lot, in particular the fact that all the information on the Aadhaar card is wholly unauthenticated, because since for the UAIDAI it didn't matter,
they really didn't put any effort into ensuring that even your name is spelled correctly, let alone your residence and age and sex and so on and so forth. So that would be one difficulty with that proposal, which otherwise, I feel if it was really genuinely voluntary with safeguards, with other biometrics, I think perhaps, because I say that because I feel that many people actually value having an identity document, and of course it's true that many people already have one before, but you know, to have a nationally recognized, authenticated identity card might still be useful, but of course voluntary. And the third option, or at least one third option, would be again to drop the biometrics and treat Aadhaar as a unique number, a little bit like the social security number of the US, although the social security number is not compulsory. But there are countries like Netherlands, for example, that have I think you had proposed that earlier before the session started, that it should be within the welfare system a unique number for purposes of identification and linking of benefits and so on and so forth. But without this biometric part, which is very problematic, if only because it's intrinsically internet-based. I mean, so many people don't realize that, but because the biometric data is not supposed to be downloaded anywhere because it's supposed to be safe, the authentication by nature has to be internet-based, and that's what's creating so many problems, for example, in the PDS, in pension, and so on and so forth. So these are just a few options. I think one needs to discuss other options as well, if one wants to go beyond just saying no to Aadhaar in its present form. बताया कि पहली चीज जो समझ में आती है वो तो ये है कि टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो पता नहीं ऐसा क्यों है कि जो आम इंसान टेक्नोलॉजी यूज करता है वो जिस पेस से आगे बढ़ती है जिस स्पीड से आगे बढ़ती है वो बहुत डिफरेंट होती है उस स्पीड से जो प्रिविलेज लोग हैं पैसे वाले लोग हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजी होती है तो आपने एग्जांपल उदाहरण दिया बाइसिकल का कि जब साइकिल है वो 40-50 साल से वैसी है उस पे कोई टेक्नोलॉजी में कोई अंतर नहीं आया है पूरी दुनिया में गियर लगा दिए लाइटें लगा दी सब कुछ हो गया नई बाइसिकल के अंदर टेक्नोलॉजी में चेंज पर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है और जबकि गाड़ियों को अगर आप देखें एयर कंडीशनर्स को देखें मोबाइल फोन्स को देखें स्मार्टफोन्स को देखें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की रफ्तार कुछ अलग ही नज़र आती है आपने टेक्नोलॉजी और टेक्नोक्रेसी के बीच में अंतर बताया और आपने कहा टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल करना अच्छी बात है टेक्नोलॉजी अपने में अच्छा है बहुत उपयोगी भी हो सकती है लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है टेक्नोक्रेसी की आपने बात रखी कि जब टेक्नोलॉजी अपने में ही एक तरह से एंड हो जाए तो वही पूरा चलाने लगे सब कुछ उसी से सारी हमारी जो सुविधाएं हैं और हमारी जीवन चलने लगे तो वो तब दिक्कत हो जाती है और आपने 5 सिद्धांत दिए हैं और पहला सिद्धांत है कि जब नई टेक्नोलॉजी आए तो जो अंत गरीब इंसान है उसको केंद्र बिंदु बनाकर फिर वो नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए तो सबसे जरूरी बात है और वो कह रहे हैं कि अगर हम पब्लिक पॉलिसी भी देखते हैं उसमें भी ऐसा नहीं हो रहा है और टेक्नोलॉजी जो अभी अडॉप्ट हो रही है धड़ाधड़ उसमें भी नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत है जिसके लिए हमें लड़ना होगा दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एकदम से इंट्रोड्यूस ना करें एक स्लो और फेज्ड तरीके से उसके जो चैलेंजेस हैं उनको समझते हुए एड्रेस करते हुए तब उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए तीसरी बात आपने कही कि एकदम मैंडेटरी बना देते हैं कि भाई आपके पास अगर ये नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा आपके पास अगर इस टाइप का डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं है आधार नहीं है कार्ड नहीं है जो भी है तो आपको राशन पेंशन ये सब नहीं मिलेगा ये बिल्कुल गलत बात है जब तक अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं कोई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करना चाहते हैं पहले देखना होगा कि क्या वो वायबल है भी चलेगा भी कि नहीं चलेगा ऐसे ही थोपना गलत चौथी बात हुई कि जो टेक्नोलॉजी है उसका जो प्रोसेस भी है उसका एक
स्वतंत्र रूप से अंकलेक्षण और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए, वरना वो आपस में ही उसका इवैल्यूएशन करते रहते हैं और प्रोपोगंडा चलता रहता है, तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। और आपने बताया कि प्रिवेसी की जो पूरा मुद्दा है उसके ऊपर भी चर्चा की जरूरत है, प्रिवेसी की जरूरत है, कुछ सेफगार्ड लगाने की जरूरत है, जिससे कि जो हम बात कर रहे हैं कल से भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की, जो जवाबदेही की बात है, वो हो सके, वरना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आपने बताया कि आधार का अगर हम मुद्दा देखें उसमें ये सारे जो सिद्धांत हैं उनका वायलेशन हुआ है, सबको फ्लाउट किया गया है। आधार एक्ट जब आया वो भी लोगों को एम्पावर नहीं कर रहा है, वो लोगों को नहीं सशक्त बना रहा है, वो उस काम के लिए बिल्कुल कारगर नहीं है। अब अगर कुछ पुअरली गलत तरीके से बनाया गया है जैसे आधार है, तो उसका अब क्या किया जाए? तो आपने तीन विकल्प दिए, एक तो आपने कहा कि पूरी चीज़ को ही ख़त्म कर दो, एक तो ये तरीका हो सकता है कि आधार को स्क्रैप कर दिया जाए। दूसरा आपने कहा कि प्रोजेक्ट इसको ऐसा बना दिया जाए जिससे कि बायोमेट्रिक, जो अंगूठा उंगली का निशान लगाने की बात है, इस पार्ट को ड्रॉप कर दिया जाए और एक इसको वॉलंटरी कार्ड बना दिया जाए कि आप अपनी मर्जी से कोई कार्ड रखते हैं, इसको वो स्वरूप दे दिया जाए। लेकिन उसमें आपने बताया कि दो तीन टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आधार कार्ड तो होना ही नहीं था, आधार तो नंबर होना। दूसरी बात यह है कि जो अनुपम जी ने फ्रेमवर्क दिया था हम लोग को शुरू में, वो फ्रेमवर्क तो अडॉप्ट ही नहीं हुआ है आधार के बनने में, तो अब हम उसको वॉलंटरी कार्ड के रूप में भी अपनाना चाहते हैं कि नहीं, वो बड़ा सवाल है, क्योंकि ना तो अपडेशन, ना इशू के टाइम पे, ना कोई भी वो फ्रेमवर्क फॉलो नहीं हुआ है। और तो इसीलिए आपने बताया कि तीसरा विकल्प है कि बायोमेट्रिक को छोड़ दिया जाए और जैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, उस तरीके से आधार को एक यूनिक नंबर के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए। पर आपने कहा कि और भी विकल्प हो सकते हैं जिनको कि सोचने की ज़रूरत है, और वो पब्लिक कंसल्टेशन भी होना चाहिए, तभी आगे बात बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैन आई रिक्वेस्ट आवर नेक्स्ट डिस्कसेंट कर्नल मैथ्यू थॉमस टू प्लीज। In the defense research, and we had to use technology both for designing it and manufacturing it. And in fact, I personally, along with a team of people, wrote in an obsolete language, COBOL, a production planning and control program to manufacture missiles. So I'm not against technology, but I am against indiscriminate use of technology without understanding its limitations and its utility. And it's nice to see here, my deed is my message, and my deeds have been to oppose the so-called ALA program to the name. And there are several reasons. One is, it's not biometrics, it's not that it's a card. There is no such thing as an Aadhaar card. In fact, an order was given for printing it and then they cancelled the process. Biometrics is just one problem.
I must request the panelist here, Rahul Sharma, to inform NASSCOM. In fact, NASSCOM was one of the first organizations which promoted UID or Aadhaar. By the way, Aadhaar is the name of a private trust for the first chairman. And it's distinctly promoted as having been selected through a public competition. I would really look at it. This is not against governance or government. We live, I made a small presentation for lack of time, I don't want to put it up here. I called my presentation Digital Panopticon. Most of you must be knowing this word panopticon. Yeah. It is invented by Jeremy Bentham, I think in the 19th century or so. It is a building where it's so designed to watch prisoners. And the very fact that you are being watched changes your behavior. So we are living in an age of digital panopticon. In fact, for a long time in my life, there was no identities at all. There was no identity cards, there was no identities at all. Today's generation lives with identities. You think that life cannot go on without identities. Even when I joined the army, they issued me an identity card which was hardly ever used. My army driving license did not even have my photograph. In the high security establishment where we manufactured missiles, there were about 1,500 employees serving in my department, in the manufacturing area. None of them had identity cards. They came, they signed a register, they came. The purpose of an identity is for specific purposes. A driving license allows you to travel, to drive. A passport allows you to travel across countries. So there are purposes. But you don't really need an identity. In fact, I was very happy when Anjali recognized me. I had not met her for the last 2-3 years, but her brain could recognize me as this old guy. I have seen him somewhere. Okay. But I have seen her on TV, therefore I could easily recognize her. We don't need identities or identification, and there are difficulties in doing that. If you take this project of UID itself, for example, in relations, you use the digitization to account for stocks. You don't need to identify people. And you can't, and the identity itself is meaningless because you have to decide on eligibility. Is the person eligible? What's the use in identifying him? Have a coupon, biometrics, all this is stupid and meaningless. If you take cash transfers and identities for LPG, it's another stupid thing. It's not that these people do not know that it's stupid. They are doing it for this purpose, to handing over, link your data to all databases in the country and hand it over to a foreigner. For what purpose? If you take LPG, how does it help cash transfer and identification? It is the use of the cylinder. The subsidy is in the gas and how it is used. If I cash transfer, get money into my bank account and identify, I fit the cylinder into my auto rickshaw. Where has the subsidy gone? So you can't stop leakage of subsidies or anything using identities or databases and so on. You need to be on the ground. You need to know what's happening. So you need to know what's happening in ration shops or in distribution agencies. So this whole thing, to my mind, is total nonsense. And now we come to what is known as we are a digital panopticon. There's disruption. Our lives have been just disrupted. IT loves disruption. They claim that disruption leads to efficiency. We live in an economic world where disruption is considered a good thing. So accustomed are we to use the internet and enjoying its convenience that we, like the proverbial ostrich, have our heads buried in the sand when it comes to understanding the evils of the net. I would recommend and request all of you to read this book, The Internet is Not the Answer. It's mind-boggling what is going on. And I experience it today. In fact, I called Dipti on my mobile phone. And it says here, what it says is, it says the number is unknown, but it says it may be Dipti Bhardwaj. How has this got it? It has got it because she has sent me a mail and her number is there. So this phone, which is an iPhone, has taken that mail and is telling me that this is Dipti's number. It does all kinds of things. Similarly, this other phone, this phone is
a Samsung phone, and I used to use it for WhatsApp. We all of us use Gmail, WhatsApp, without knowing, because we should know what it is. And now they say that if I have to use this WhatsApp, WhatsApp needs access to my Google Drive. So why does it need access to my Google Drive? So this is what's happening in this so-called age of disruption. So the fundamental error which we are making here is on focusing, I've got 2 more minutes, is on focusing on government and governance. Now that's not what's happened. We should change the focus, and as my friend here said, I'd love to get onto the street, but before getting onto the street, we need to engage with the government or with the private companies which are promoting this. It would be good in the next event to invite those people, and we should write to them. I have written to every MP, I have written to ministers, I have addressed the BJP parliamentary party on this Aadhaar and other things. So we need to do that. So let us focus not on this, but what on private companies are doing. So what we can do is, the effort and time which has been spent here in the past 2 days, we need to act, and we must act now. Let us understand the damages to democracy due to digitization of the economy, and the internet is not confined to governance or government. The real danger is in collusion between private internet companies and governments, which is leading to even privatizing of governance. It's happening today in San Francisco. We live in communities where the entire thing is taken over by private organizations. We should expose the collusion and advocate regulation with severe penalties for those who collude, irrespective of the justification they have. We need an Indian summer like the Arab Spring and an Occupy Internet movement. The Indian summer should make it too hot for politicians and private entities who collude for database and private control of people. A typical example of this collusion is, I mentioned, the UID program. The study so that you understand its elements. Just look at what are the mission of UIDA. The very mission says that it is to allocate numbers and it is to do certain things. And it is to partner. In fact, NASCOM had a hackathon for using the Aadhaar platform. I filed an RTI asking them, what is this application developing? They go around in circles. They never give you an answer what it is. Aadhaar is not a platform like, say, Oracle. Aadhaar is just a database. If anybody wants to make an application on that, you have to use that data. How can the data be secure if you are allowing all and sundry to use it, commercialize it and sell it? In fact, all internet companies, Google, Facebook, everybody, what are they doing? How do they make money? They commercialize you and me. You'll find your family photo in a commercial TV ad. That is what they do. They sell data. The same thing, if you want to use the so-called UIDA database, you need to have access to how, through your so-called UIDA number and sell that data. So it is foolish to say that we can develop applications. So please try and understand what this is all about. Foreign firms I mentioned, it's actually a pre-problem of the law institution. And even the very basis of Aadhaar is questionable. First of all, biometrics doesn't work. It's not me saying it. 4 national academies have conducted years of research in the United States and submitted the report to FBI and CIA and the Defense Department and told them that biometrics is inherently probabilistic and therefore inherently fallible. In India itself, in the counter-affidavit in the Supreme Court, the UIDA has admitted that 80 million people, they claim it as enrollment packages which were deleted as duplicates of fakes. Actually, 80 million people are non-existent, and that is just when 800 million people were enrolled. They were non-existent because their biometrics falsely matched with somebody else. And therefore, the second so-called enrollment, was declared duplicate. I have also documentary evidence to show UIDA's own admission that the entire data in their database is junk. So, Professor, we can't just get rid of the biometrics and use it. They know it is junk data. And they have given it in writing. It will get exposed someday. So far, they shut me off. They don't allow me into media.
but it is true. It's documented evidence. And therefore, we should fight this to the nail. And I would join with my friend here, Mr. Manzar, and come onto the streets. Before that, let's engage with them. Engage with them by writing to every MP, by starting campaigns, use their own social media to say what is this truth about. This whole thing is nonsense. You can have ration cards done properly. You can have rations distributed properly without having to identify and put all the people into a header. Thank you. Thank you. आपने बताया कि आपको टेक्नोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है और इनफैक्ट आप तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते आए हैं, मैन्युफैक्चर करते थे मिसाइल्स को बनाते थे, तो उसके लिए तो टेक्नोलॉजी चाहिए ही है और इसलिए टेक्नोलॉजी से दिक्कत नहीं है. पर उनको दिक्कत है टेक्नोलॉजी का अगर मिसयूज़ किया जाए और उसका जिस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली अभी यूज़ चल रहा है टेक्नोलॉजी का, उससे आप बता रहे हैं कि आपको बहुत दिक्कत है. आपने हमें कॉन्ट्रैक्ट में से भी पढ़ के बताया कि किस तरीके से ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रहे हैं कि हम डेटा को शेयर नहीं करते, पर जो कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है कि सारा डेटा शेयर हो रहा है एक्चुअली, तो लोगों के पास की सूचना भी नहीं है ठीक से. और जो कॉन्ट्रैक्ट है और केवल ऐसा नहीं है कि शेयर हो रहा है ये डेटा, ये फॉरेन इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसी हैं बाकी देशों की, उनके साथ में शेयर हो रहा है. तो आपका मानना है कि अभी हम लोग एक डिजिटल पैन ऑप्टिकॉन, आपने बोला शब्द का इस्तेमाल किया, उसका मतलब ये है कि जैसे बिल्डिंग हो जिसके अंदर सब को सब लोग देख सकते हो, सब नजर आता हो कि उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, तो उससे फिर सबका बिहेवियर भी बदलता है. क्योंकि अगर मालूम है कि सब कुछ नजर आ रहा है तो बिहेवियर भी बदलेगा, तो उस तरीके का एक माहौल बन गया है. और आपने कहा कि पहले तो आइडेंटिटी कार्ड होते नहीं थे, सारा काम चलता था, सरकारों का काम चलता था और मिसाइल प्रोग्राम भी बनते थे, पर अब एकदम से आइडेंटिटी कार्ड एक बहुत बड़ा एक मुद्दा हो गया और जरूरत हो गई है. और आइडेंटिटी कार्ड तो तब हो सकता है कि किसी पर्पस के लिए, किसी चीज के लिए आपको कुछ चाहिए हो लेने के लिए, उसके लिए आप कहें कि हाँ आपको राशन के लिए कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, आप ड्राइव कर सकते हैं उसके लिए, या पासपोर्ट है. आइडेंटिटी तो हमें दूसरे की वैसे भी पहचानते हैं, पर आइडेंटिटी कार्ड का एक मकसद होना चाहिए. पर अभी वो मकसद के बगैर आइडेंटिटी कार्ड बनाए जा रहे हैं और वो बहुत दिक्कत की चीज़ है. और वो सारा जो है वो एक तरीके से बता रहे हैं कि खेल है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि हम तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं और आधार कार्ड बहुत जरूरी है क्योंकि वो जब तक नहीं आएगा भ्रष्टाचार तो चलता रहेगा. और आप कह रहे हैं कि शुरू से आपकी एक लड़ाई है और हम सभी जानते हैं कि कर्नल मैथ्यूज ने आधार के खिलाफ अपनी आवाज शुरू से उठाई है. तो वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बोगस बात है कि भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार रोकने के और तरीके हैं और वो सब जानते हैं कि क्या तरीके हैं. आधार और आइडेंटिटी कार्ड देना वो कोई तरीका नहीं है, पर वो इसका एकदम बोगी बना के इसका लोगों का बुद्धू बना रहे हैं और केवल वो डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे कि वो ये जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज और कंपनियां हैं इनको वो डेटा दे सके. और अभी कल भी इसके बारे में चर्चा हुई थी डिसरप्शन के बारे में कि भाई एफिशिएंसी के नाम पे डिसरप्शन होने की जरूरत है, तो ये तो हमारे लाइफ्स को और हमारी जिंदगियों को डिसरप्ट कर रहा है. और हम लोग भी कहीं पे क्योंकि कन्वीनियंस होती है एक आराम से हम कुछ कर पाते हैं, उस चक्कर में हम भी कई चीज़ों को पे सवाल नहीं उठाते हैं, पर बहुत इसके खतरे हैं. तो उन्होंने एक तो बताया कि किस तरीके से अब जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों को आइडेंटिफाई करने लगा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को फ़ोन करा जानते नहीं थे कि उनका नाम क्या है, पर उस पे लिखा आ गया कि मे बी दीप्ति, मतलब हो सकता है ये दीप्ति का नंबर है. और वो कैसे आया, क्योंकि ईमेल गया होगा जिसके अंदर कहीं दीप्ति के नाम के सामने वो नंबर लिखा होगा, तो उनके फोन ने फटाफट वो उठा लिया. तो अभी आज सुबह भी और कल भी थोड़ी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब की भी चर्चा हो रही थी, मतलब ये सारे जो मुद्दे हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर हम उन्हें समझे नहीं, उनमें जाए नहीं और उनके साथ डील नहीं करें सही से. उन्होंने कहा कि हमें
वो ओसामा जी से सहमत है कि हमें सड़कों पे भी उतरने की जरूरत है, पर उन्होंने ये भी कहा कि उससे पहले शायद हमें एंगेज करने की जरूरत है सरकार के साथ भी, प्राइवेट कंपनियों के साथ भी, और वो आशा करते हैं कि आगे ऐसी मीटिंग्स में और भी लोग आएंगे जो कि कंपनियों से सरकार से होंगे जिनके साथ ये बातचीत कर सके, और प्राइवेट कंपनियों पे फोकस की बहुत ज़रूरत है। बहुत बड़ी जो खतरा उन्होंने बताया वो एक जो साझेदारी है, कल्यूजन है सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच जो हम देखने को मिल रही है, और कई जगह पे तो पूरी तरह से निजीकरण हो गया है और जो निजी कंपनियां हैं वही सारा सरकार का भी रोल अप प्ले कर रही हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को का उदाहरण भी दिया इसमें, उन्होंने कहा इसके बहुत खतरे हैं और शायद हमें जैसे अरब स्प्रिंग था वैसे इंडियन समर, मतलब इतनी हमें दिक्कत पैदा कर देनी चाहिए जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, इतनी उनके लिए मुश्किल कर देना चाहिए जिससे कि ये काम ना हो सके आसानी से। और उन्होंने कहा आधार कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो डेटाबेस है और ये हमें समझना चाहिए। और गूगल और ये सारी जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से डेटा बेच भी रही हैं, कमर्शलाइज हो रहे हैं लोग और एक तरह से कमोडिटी बन रहे हैं लोग, उसके बारे में भी आपने हमसे चर्चा करी। और आपने ये अंत में कहा कि जो आधार है उसका पूरा आधार ही बोगस है, मतलब उसका बेसिस ही बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल गलत है, बायोमेट्रिक काम नहीं करते हैं वो, केवल आपने कह रहे, सभी लोग कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक काम नहीं करते हैं और जिस स्केल पे बायोमेट्रिक हो जा रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। टाइटल है इस सेशन का प्रिंसिपल्स ऑन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इन डिजिटलाइज्ड गवर्नेंस। तो अगर हम नरेगा का उदाहरण लेंगे और जब जब डिजिटलाइज्ड गवर्नेंस इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पहले तो आप सब जानेंगे कि एक हमारा MIS है और वेबसाइट है और सब उस पर दिखता है, तो डिमांड लेते वक्त या एंट्री करते वक्त ये एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है कि सबका डेटा उस पर चढ़ता है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर क्या होने लगा कि वो डिमांड रोकने लगी क्योंकि वो सिस्टम पे लागू निर्भर है, तो उन्होंने कहा कि इसी वक्त आप आधार दो या अपना बैंक अकाउंट दो नहीं तो हम आपका डिमांड नहीं लेंगे। तो वो डेटा एंट्री प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उस लेवल पे आप क्या इम्पोज कर रहे हो वो प्रॉब्लम था। तो वी कुड कम बैक टू अ लॉ जो हमारा इंस्टीट्यूशनल गारंटी है और जो हमारा कानून है, और हम कह सकते थे कि आप ये सब इस लेवल पे नहीं कर सकते हो बिकॉज इट्स गोइंग अगेंस्ट द लॉ। सो दैट इज़ वन वे वी अंडरस्टूड दैट। द सेकेंड थिंग दैट हैपेंड वॉज आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप सुना, देर वॉज अ व्हाट्सएप ग्रुप दैट वॉज स्टार्टेड एंड मैनी एट मैनी लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, व्हाटएवर, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस बिकॉज सब लोग उस ग्रुप पे है और काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप इन इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उस पर कभी कभी ऐसी चीज़ें बोले जाते हैं जो कानून के खिलाफ है, तो फिर भी हम कब पकड़ते हैं जब हमें दिख जाता है कि ओके दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, सो दिस इज नॉट ओके। इवन विद फंड्स, पहले पंचायत में चेक से नरेगा तनखा कटता था, अब उसको सेंट्रलाइज किया गया है, अब एक डिजिटल सिग्नेचर होता है जिसके लिए आपको एक जगह जाना पड़ता है जहाँ कनेक्टिविटी है, आपको ब्लॉक ऑफिस जाना पड़ता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ब्रिंगिंग इन दैट सिस्टम बट इट्स सो अगेन वी गो बैक टू द लॉ। अगर आप 15 दिन में दे पा रहे हो पेमेंट तो आपको जो करना है कर लो, लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हो देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो सब शिकायत करते हैं कि फ्रॉम द लॉ यू डोंट अंडरस्टैंड पेमेंट कहाँ अटका हुआ है क्योंकि वो कहीं केंद्र सर्वे पे अटका हुआ है और कोई जवाबदेही नहीं है इसके लिए। नो बडी इज अकाउंटेबल फॉर इफ माई ऑथेंटिकेशन डिडंट वर्क और इफ सम सर्वर फेल्ड। माई नरेगा गारंटीज मी समथिंग बट इफ दैट डजंट वर्क बिकॉज ऑफ आधार no one's accountable. So now Nariga is not, the law is not enough to make sure I get my payment on time.
तो मेरा सवाल यही था मंच के लिए कि क्योंकि ये बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ है जो काफ़ी लोग समझ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें पकड़ पा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई चीज़ें होंगे जो हम जान ही नहीं रहे या क्राइसिस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और फिर हमें पता लगता है कि ये चीज़ें हैं। तो जब हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और शायद वर्कशॉप सेशन यही होगा, थ्री थिंग्स जो हम देखे हुए हैं एटलीस्ट इन वर्क है, एक तो और ये पहले वाले आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू, एवरीबडी हैज सेड दीस थिंग्स बिफोर, कि जो सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, नरेगा से पंचायत में पैसे आ रहे थे, इसके वजह से ट्रेंड देख रहा है कि वो वापस सेंट्रलाइज होते जा रहा है। सो दैट वन वेरी क्लियर ट्रेंड वे सीइंग जब भी डिजिटल गवर्नेंस इम्पोज होता है। सेकेंडली जो हम देख रहे हैं कि जो भी हक बहुत सिंपली आप कम्युनिकेट कर सकते थे लोगों को कि दिस इज योर राइट, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग ब्रॉट इन दैट इंक्रीज द डिस्टेंस फॉर यू टू गेट दैट राइट। और जो तीसरा चीज हमें दिख रहा है वो पूरा भाषा का खेल है, क्योंकि हर व्यक्ति कहेगा कि ये सारी चीज़ें लोगों के नाम में लाए जा रहे हैं, पारदर्शिता के नाम में लाए जा रहे हैं, इससे जवाबदेही बढ़ रहा है और ये शब्द के मतलब बिल्कुल बदल ही रहे हैं। तो हमारा पहला लड़ाई यही होता है समझाने के लिए कि इससे ये नहीं हो रहा और ये सब हो रहा है, एंड दैट्स अ बैटल दैट वी सीम टू बी लूजिंग एटलीस्ट इन अ क्लास वे, बिकॉज आप कहीं भी जाओ और बोलो कि आधार से पारदर्शिता आया नहीं आया, लेकिन आप मध्यम वर्गी से बात करो तो उनको वही लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें आए हैं या आ सकते हैं। So these were the three things that I wanted to flag. Thank you, Inayat. We have a tea break now, but I'd like to thank the panel here. Anita, do we want to give everybody an opportunity to respond right now to the discussions, or maybe after when we're having the questions and then? Take the issues into the plenary. So, बहुत ही ज़रूरी मुद्दे और उसके पूरा जो हम चाहते हैं कि डिजिटल जब हो रहा है सब कुछ तो उसके केंद्र, उसका जो केंद्र बिंदु है वो एक आम इंसान हो, जो अंध गरीब है वो हो, और हम ये नहीं चाहते कि इस पूरे प्रोसेस में लोग एक तरह से कस्टमर या एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट हो। और जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप का बस एक मुद्दा रखा वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कल से चर्चा कर रहे हैं और आज भी जो प्रिंसिपल्स अभी हम लोग ने चर्चा करी और जिसमें से हम कुछ निकालेंगे भी, जब हम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं वो हम पारदर्शिता के बगैर नहीं कर सकते। और इनायत ने जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात करी है वो ग्रुप बेसिकली इसीलिए बनाया गया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोग जिस सूचना को ले सकते हैं उस दायरे में से वो सारी सूचना निकाल दी जाए। तो अब तक जो सारी डिसीजन मेकिंग कागजों पे होती थी वो अब व्हाट्सएप ग्रुप पे हो रही है, और मैं सूचना के अधिकार में अर्जी डाल के नहीं निकाल सकती कि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या हो, जबकि वो पेपर पे हो रहा था, रिकॉर्ड पे था, तो वो मैं जान सकती थी या कोई भी नागरिक जान सकते थे। तो ये भी एक तरीके का बहुत ही भयानक एक इसका पहलू है जिसके ऊपर हमें आगे भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और लोग जवाबदेही तय कर सके उसके लिए ये सारे मुद्दे बहुत जरूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।